आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर जिला की अग्रसर वैसी बरुआ डेयरी के प्रमुख के तौर पर सतीश पटेल उर्फ निसाड़िया द्वारा अपने पद से इस्तीफा देते हुए राजकीय माहौल में कई तरह की अटकलें बनी है। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वैसे बरुआ डेयरी के चेयरमैन पद से सतीश पटेल उर्फ निसाड़िया द्वारा इस्तीफा देते हुए कई तरह की अटकलें बनी हैं। फिलहाल उनके पास दो पदभार होने के कारण उनके द्वारा सीआर पाटिल के विजन को पूरा करने के लिए उनके द्वारा अपने एक पद से इस्तीफा दिया गया होने की खुद उनके द्वारा जानकारी दी गई, जहां उनका कहना था कि बरुआ डेयरी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देते हुए सतीश पटेल उर्फ निसाड़िया ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी थी कि फरवरी 2023 में उन पर वडोदरा जिला भाजपा के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मार्च में डेयरी के प्रमुख उप प्रमुख के चुनाव के वक्त उन्हें प्रमुख के तौर पर और जुलाई में भी प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी, जहां मोड़ी मंडल के मिले जानकारी के आधार पर उनके द्वारा गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वैसे सीआर पाटिल की सूचना के आधार पर दो पद में से सिर्फ एक ही पद को चुनने के लिए उन्हें बताया गया था, जहां उनके द्वारा आज बरुआ डेयरी के चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा देते हुए अब आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और जिला भाजपा प्रमुख के तौर पर अब वे अपना पदभार संभालेंगे, जहां अब आने वाले दिनों में बरुआ डेयरी के चेयरमैन पद पर एक नया चुनाव किया जाएगा या नहीं वो भी अटकलों ने जोर पकड़ा है। फिलहाल वर्तमान तौर पर उप प्रमुख जीबी सोलंकी द्वारा बरुआ डेयरी के चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। पार्टी में कोई दबाण होतु नहीं, आदरणीय सीआर पाटिल साहेबे जारे मैंडेट आप्यो त्यारे ज मने वात करी थी के अत्यारे तमने डेरीना प्रमुख बनाई दे, पछी तमे त्रण चार महीना में नक्की करी लेजो के तमारे बेमाथी कयो होद्दो राखवानो छे। जे ते टाइमे ज वात करी थी एटले आजे हूँ डेरीना प्रमुख तरीके थी राजा मुजन संगठनना होद्दा मारी पासे प्रमुख तरीके जे अमारे सेवा आपवानी छे आपतो रहीश। એવું કશું છે નહીં, અમે પાર્ટીના વફાદાર સૈનિક છે અને પાર્ટીના અમારા મોવડી મંડળ જે નક્કી કરતા હોય એની અંદર અમે આગળ વધતા હોય છે અને મોવડી મંડળ જે સૂચન કર્યું હોય સ્વીકારતા હોય છે। અમારામાં કોઈ ડેમેજ કંટ્રોલ જેવું છે જ નહીં, જેનો પણ મેન્ડેટ આવશે એને બધા સ્વીકારશે। દિનુમામા હશે તો દિનુમામાને પણ અમે સ્વીકારીને આ સંસ્થાનો વિકાસ કરીશું।